अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे कहानी नवेसी। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और ये कितने नंबरों के लिए आते हैं? ये 5 मार्क्स के लिए आते हैं। और यूँ समझिए कि ये जो 5 मार्क्स है ये आपके हाथ में होते हैं, और परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमें ये सब आना बहुत ज़रूरी है। ये 5 5 मार्क्स करके हमारे परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ होते हैं और 10वीं का रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और ये बहुत आसान होता है, हमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं और उन पॉइंट से हमें कहानी बनानी होती है, ठीक है। तो पॉइंट्स को पढ़कर हम एक कहानी बनाएंगे। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारे का रहना, रोज़ लकड़ियां काटना, बमुश्किल गुजारा होना, गुर्बत में भी इसका कभी झूठ ना बोलना, एक मर्तबा लकड़ी काटने जंगल जाना, लकड़ियां काटते हुए थक जाना, नदी के किनारे सो जाना, नींद में कुल्हाड़ी नदी में गिरा जाना, लकड़हारे का रोना, नदी से परी का निकलना, इसकी परेशानी पूछना, फिर नदी से सोने चांदी और आखिर में लकड़हारे की कुल्हाड़ी का लाना, लकड़हारे की ईमानदारी पर खुश होकर इसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी इनाम देना। अब इन पॉइंट से हमारे जहन में एक कहानी तैयार हो चुकी है ना। बस हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है इन्हें हमें एक तहरीर की शक्ल देनी है, अल्फाजों की शक्ल देके, जुमलों की शक्ल देके कहानी तैयार करनी है, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट्स हैं वैसे वैसे हमें जुमले तैयार करने हैं। अब इन पॉइंट्स के हिसाब से हम जुमले तैयार कर रहे हैं और एक कहानी अपने आप बन जाएगी, ठीक है। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज़ जंगल जाता और लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच देता। इस तरह इसकी और इसके ख़ानदान की ज़िंदगी बड़ी गुर्बत में गुजर रही थी। लकड़हारा गरीब था मगर ईमानदार था, वो कभी झूठ भी नहीं बोलता था। एक दिन वो लकड़ियाँ काटने जंगल गया। लकड़ियाँ काटते हुए इसे थकन सी महसूस हुई। वो नदी के किनारे दरख्त से टेक लगाकर सो गया। नींद में कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी पानी में गिर जाने पर लकड़हारा रोने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। क्यों? क्योंकि बेचारा गरीब था और ये वाहिद जरिया था कुल्हाड़ी, जिससे वो रोज़ी हासिल करता था, इसलिए वो रोने लगा। अचानक नदी से एक परी बाहर आई और इसने लकड़हारे से इसके रोने का सबब पूछा, यानी वजह पूछी। लकड़हारे ने परी को अपनी कुल्हाड़ी के बारे में बताया और उससे कुल्हाड़ी लाने की इल्तिजा की। परी पानी में गई और बाहर आई, इसके अपने हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाई और पूछा, क्या ये तुम्हारी है? देखो यार, जहाँ सवाल पूछा गया है वहाँ हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। लकड़हारे ने कहा नहीं। वो फिर पानी में गई, इस मर्तबा चांदी की कुल्हाड़ी लाई और फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा नहीं। वो तीसरी बार पानी में गई और इस मर्तबा इसकी पुरानी कुल्हाड़ी लाई, जिसे देखकर लकड़हारा खुश हो गया और बोला, हाँ ये मेरी है। परी इसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई और उसने लकड़हारे को सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी तोहफे में दे दी। सच है, इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितनी आसान कहानी थी। कहानी लिखने के बाद हमें कहानी का उनवान भी ज़रूर देना है। इस कहानी का हम 2 उनवान बना सकते हैं। एक सच का इनाम है ना, सच का इनाम मिला कि चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी उसे मिल गई, या फिर ईमानदार लकड़हारा, ये दोनों उनवान आप इस कहानी को दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।